गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अ टॉपिक बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट क्लास 11th अकाउंट्स के लिए। क्या होता है बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट? तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है ये बैंक रिकंसिलाइजेशन। तो बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग पासबुक ट्रांजेक्शन विद द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक। हम बैंक के पासबुक के साथ हम अपने यहां पर कैश बुक में जो बैंक कॉलम बनाया है हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद हमें कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं, उन डिफरेंसेस को हमें रिकंसाइल करना होता है, और इसी रिकंसाइल किए जाने वाले स्टेटमेंट को ही बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बनाते कैसे हैं? तो चलिए एक बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू हम उस चीज को समझते हैं जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ का एक सिचुएशन है। मान लो कि हमारा एक पार्टी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करा है मैंने। तो एक पार्टी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, जिसका बैंक में एक अकाउंट है, और वो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर पार्टी का अकाउंट होगा, और उसी तरह से पार्टी के यहाँ पर बैंक अकाउंट होगा जो वो अपने यहाँ पर कैश बुक बनाएगी। क्लियर? चलिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 30 यानी अप्रैल मंथ का जो पासबुक है, जो बैंक स्टेटमेंट है, वो क्या शो कर रहा है देखिए। तो पहले ट्रांजेक्शन 1st of April के दिन हमें पता चला कि पार्टी ने कुछ कैश डिपॉजिट किया है 1 lakh का। ठीक है, अब अपने सभी ने पासबुक तो देखी होगी कि बैंक पासबुक किस तरह से बनाती है, किस तरह से पासबुक इश्यू करती है पार्टी को। तो पहला कॉलम होता है डेट, सेकंड इज द पर्टिकुलर, इट्स अ ट्रांजेक्शन, चेक नंबर अगर कोई चेक के थ्रू पैसा आया है, चेक के थ्रू पैसा गया है, विड्रॉल अगर पैसा निकाला है, डिपॉजिट पैसा अगर डिपॉजिट किया है, बैलेंस एंड डिविडेंड क्रेडिट। बहुत ध्यान से समझ लेना, हमारे यहाँ पर बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है तो जस्ट अपोजिट बैंक के यहाँ पर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। हमारे यहाँ पर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस बैंक के यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको छोटी छोटी सी बात समझ कर चलना है। चलिए, तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 जो 1st of April के दिन हुआ है, वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि पार्टी ने कैश डिपॉजिट किया है 1 lakh का, तो हमने बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 1 lakh रुपीज। अब अकाउंट हो सकता है 1st April के दिन ही ओपन किया हो, तो बैंक ने हमारे कुछ अकाउंटिंग चार्जेस या इट मींस द अकाउंट चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या किए, हमारे कुछ चार्जेस किए होंगे, तो 1200 रुपीज के बैंक चार्जेस लगा। देखिए, जैसे ही बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस चार्ज किए तो बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, इट मींस द मेरा बैलेंस जो है वो 1200 रुपीज से कम हो गया, 98,800 रुपीज हो गया। अगेन वापिस से मेरा बैलेंस तो क्रेडिट ही। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, बैंक के यहाँ पर मैंने एक चेक इशू किया था कि भाई राम लिमिटेड को एक चेक हमें पेमेंट करना है, बैंक ने वो चेक 20,000 का क्लियर कर दिया है, इसलिए मेरा बैलेंस 78,800 ही है। नेक्स्ट, हमारे पास एक कोई चेक आया था श्याम लिमिटेड का, जो कि मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, बैंक ने मेरे अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट भी कर दिया 40,000 रुपीज का। चलिए 40,000 रुपीज डिपॉजिट भी हो गया, अगेन मेरा बैलेंस जो है वो 1,18,800 रुपीज हो गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, इंटरेस्ट, बैंक ने हमारे हमें इंटरेस्ट दिया, क्योंकि हमारा बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे कर दी, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया 1000 रुपीज का, अगेन मेरा बैलेंस जो है वो 1000 रुपीज से इंक्रीज हो गया, 1,19,800 रुपीज हो गया। ठीक है क्लास? एंड अगेन बैंक ने 30th April के दिन मुझे ATM इशू किया था, तो उसने कुछ चार्जेस हमारे अकाउंट में डेबिट किए ATM चार्जेस के नाम से 200 रुपीज, तो इस तरह से मेरा बैलेंस 200 रुपीज से कम हो गया, अगेन 1,19,600 रुपीज, जो कि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है मेरा बैंक पासबुक। मेरी बैंक पासबुक क्या शो कर रही है क्लास? बहुत ध्यान से समझना, बैंक पासबुक क्या बैलेंस शो कर रही है, 1,19,600 रुपीज का बैलेंस बैंक हमें शो कर रही है। चलिए जस्ट अपोजिट जाकर देखें पार्टी क्या बता रही है, पार्टी ने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या क्या लिखा है। तो कैश बुक में उन्होंने बैंक में 2 कैश करा है 1 lakh। चलिए चेक करते हैं क्या बैंक ने भी यही किया था क्या, चेक करें। यस, तो पार्टी ने अगर 1 lakh रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक ने कहा यस मेरे पास डिपॉजिट आ चुका है। ठीक है, बैंक ने 1 lakh रुपए क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, पार्टी ने डेबिट कर दिए। ठीक है, अगेन देखें कि 1200 रुपीज का बैंक ने कोई अकाउंटिंग चार्जेस लगाए थे, देखो कैश बुक में कहीं लिखा है क्या,
इट मींस यहीं पर हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि बैंक के पासबुक में और कैशबुक के बैंक कॉलम में कहीं ना कहीं डिफरेंस आना चालू हो गए। ठीक है, तो 1200 रुपीस की एक एंट्री जो पासबुक में है बट कैशबुक में नहीं है। नेक्स्ट 20,000 का चेक जो कि हमने राम को इश्यू किया था वो की विड्रॉल हो चुका है। देखें क्या ये 20,000 का चेक हमने भी लिखा हुआ है? यस, 20,000 रुपीस का चेक हमारे पास भी है, मतलब सेम एंट्री है, वहां पर भी है और यहां पर भी है। नेक्स्ट 40,000 रुपीस का चेक जो मेरे पास आया था वो बैंक में क्या कर दिया गया है? डिपॉजिट कर दिया, चेक करें। यस, बिल्कुल सही बात है, 40,000 रुपीस का चेक भी क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। आगे देखें कि सैलरी, यस मैंने किसी पार्टी को या इट मीन मैंने इंप्लॉय को मैंने क्या दी है? 25,000 की एक सैलरी का चेक इश्यू किया है कि सैलरी मेरे बैंक से डिडक्ट हो जाएगी, चेक इश्यू कर दिया है, जबकि बैंक में वो अभी तक डिपॉजिट होने के लिए यानी बैंक में अभी तक विड्रॉल होने के लिए क्या हुआ है? वो गया नहीं, यानी एक डिफरेंस ये 25,000 का हो गया। अगेन देखे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, कैशबुक में लिखा नहीं है, बैंक ने हमें एटीएम चार्जेस विड्रॉल कर लिए, डेबिट कर लिए, हमारे लिखे नहीं। मतलब ये कुछ आइटम्स है जिनके कारण मेरा बैंक का बैलेंस और मेरा कैशबुक में बैंक कॉलम का जो बैलेंस है उन बैलेंसेस में डिफरेंस अराइज हो गए। चेक करते हैं 30 अप्रैल के दिन पासबुक की सिचुएशन क्या है और बैंक कॉलम की सिचुएशन क्या है। पासबुक दिखा रहा है 30 अप्रैल के दिन मेरा बैलेंस 1,19,600 दिख रहा है क्लास, 1,19,600 रुपीस का बैलेंस शो कर रहा है, जबकि कैशबुक का बैंक कॉलम हमारा बैलेंस जो शो कर रहा है वो है 95,000, यानी 1,19,600 और 95,000 मेरे यहाँ पर बैलेंस चल रहा है बैंक का, बैंक के यहाँ पर मेरा बैलेंस चल रहा है 1,19,600। क्लास समझ में आ रहा है? दोनों बैलेंसेस में क्या हो गए? डिफरेंस हो गए। अब पार्टी को चिंता कि करे तो क्या करें, ये डिफरेंसेस आए तो आए कैसे? जब दोनों ने अपने अकाउंट को चेक किया, वेरीफाई किया, तो पता चला कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन थे जो बैंक में शो हुए थे बट पासबुक में शो नहीं, बैंक कॉलम में शो नहीं हुए थे। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन थे जो कैशबुक के बैंक कॉलम में शो हुए थे बट पासबुक में शो नहीं हुए थे। इन वजह से हमारे अकाउंट में डिफरेंस आ गया और इसी डिफरेंस को, इन्हीं डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करने के लिए, इन्हीं डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही हमें बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होना पड़ता है? बनाना पड़ता है। प्रैक्टिकली बेहतरीन एग्जांपल बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है मार्केट में। जब पासबुक और कैशबुक में कोई डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं तो उन केसेस में हमें क्या करना होता है कि इन डिफरेंसेस को कैसे बताया जाए, किस तरह से डिफरेंसेस को रेक्टिफाई किया जाए, रिकंसाइल किया जाए, इसके लिए हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए अब स्टार्ट होता है कि इन डिफरेंसेस को हम रेक्टिफाई कैसे करें, इट मींस द रिकंसाइल कैसे करें। तो रिकंसाइल करने के लिए मैंने सबसे पहला रूल बनाया है, मैं चार रूल मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो लेक्चर में, बीआरएस के इंट्रो लेक्चर में मैंने बताया था, मैंने चार रूल बताऊंगा। इन चार रूल से आप कोई से भी बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि व्हेन द बैलेंस स्टार्ट विद द कैशबुक, यानी अगर हम बैलेंस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें बैलेंस को कहां किसके अनुसार किसके अकॉर्डिंग लेकर जाना है, पासबुक के अकॉर्डिंग लेकर जाना है, तो हम कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग कैसे लेकर आए, इस चीज को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा रूल बनाया है, अपने खुद का रूल है। ठीक है, तो ये रूल नंबर क्या है? रूल नंबर ये बैंक कहता है कि हमें कुछ चार टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, वो ट्रांजेक्शन जो कैशबुक को अफेक्ट करते हैं बट पासबुक को अफेक्ट नहीं करते, वो ट्रांजेक्शन पहला रूल, वो ट्रांजेक्शन जो कि कैशबुक को अफेक्ट करते हैं पर पासबुक को अफेक्ट नहीं करते, वो ट्रांजेक्शन जो पासबुक को अफेक्ट करते हैं पर कैशबुक को अफेक्ट नहीं करते, दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब इन दो टाइप के ट्रांजेक्शन में किस तरह के जनरेट होंगे, तो पहला नंबर लिखा है मैंने कैश बैलेंस सीबी, सीबी का मतलब है कैश बैलेंस इंक्रीजेस बट नो चेंज इन द पासबुक बैलेंस, यानी कैशबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, कैशबुक का बैलेंस तो बढ़ गया बट पासबुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं आए, कैशबुक का बैलेंस तो बढ़ गया बट पासबुक के बैलेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आए, तो फिर क्या करें? हमें पासबुक का बैलेंस में अगर चेंज नहीं आया है तो हमें पासबुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, कैशबुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में वो इफेक्ट गया ही नहीं है। जब नहीं गया तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, पासबुक के अकॉर्डिंग से कम करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो मैंने लिखा है, देखो
ध्यान से समझना बेटा, ये साइन जो बना रहा हूं ये मेरे इंक्रीज का साइन है, ये मेरे डिक्रीज का साइन है, और ये मेरे नो इफेक्ट का साइन है। सिंपल सा एक रूल है, बस इस रूल को फॉलो कर लो, आपके लिए बैलेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला ट्रांजेक्शन, कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है बट पासबुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है पासबुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो हमें इफेक्ट क्या देना है? हमें इफेक्ट देना है कि हमें उस आइटम को लेस कर देंगे। सेकेंड, कैशबुक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है बट पासबुक का बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो हमें इफेक्ट क्या देना है? पासबुक का बैलेंस, यानी कैशबुक के बैलेंस में बढ़ा देना है, तो हमें पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर कैशबुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं है और पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है, तो हमें सिमिलर इफेक्ट देना है। अगर इंक्रीज हुआ है तो हमें भी क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। और कैशबुक का बैलेंस में नो चेंजेस बट डिक्रीज इन द पासबुक, तो हमें उस केस में पासबुक कैशबुक का बैलेंस से पासबुक पर ले जाने के लिए उसे भी क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, चलिए इस एग्जांपल को जो मैंने अभी आपके सामने सिचुएशन रखी है उस सिचुएशन को थोड़ा सा करके देखते हैं। देखो क्या पता चलता है, मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं, मैंने इस फॉर्मेट को बनाया और उस फॉर्मेट में दो कॉलम बना लिए, ठीक है, एक लिखा प्लस का कॉलम, एक लिखा है माइनस का कॉलम, और यहां लिखूंगा मैं ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कहां से लेना है? रूल नंबर वन में देखा था हमने कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है और पासबुक के बैलेंस को हमें एंड करना है, तो बैलेंस एस पर कैशबुक क्या था? तो हमें पता चला बैलेंस एस पर कैशबुक, कैशबुक का बैलेंस क्या शो कर रहा था? डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है ना पॉजिटिव बैलेंस होता, कितना? 95,000। चलिए अब पहले इफेक्ट देख लेते हैं कि जो कैशबुक में लिखे पर पासबुक में नहीं लिखे। चेक करें, 1,00,000 का इफेक्ट पासबुक में है, यस। 40,000 का इफेक्ट पासबुक में है, यस। 20,000 का इफेक्ट पासबुक में है, यस। 25,000 का इफेक्ट पासबुक में नहीं है, इट मींस मैंने 25,000 का एक चेक इश्यू किया जिसके कारण मैंने कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया? रूल नंबर, कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया? कम कर दिया। पासबुक में ऐसी कोई एंट्री अभी तक गई नहीं है, यानी पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है? कुछ चेंजेस हुआ है क्या? नहीं हुआ है, यानी पासबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी बढ़ा हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ, 25,000 रुपीज क्या करते हैं हम? इंक्रीज कर दें। समझ में आई बात? नेक्स्ट आगे देखें, अब इसके अलावा कैशबुक में तो कोई चेंजेस नहीं आए, अब हमें पासबुक में जाकर देखना है। बैंक ने 1200 रुपीज का एक अकाउंटिंग चार्जेस हमारे ऊपर डेबिट किया, यानी बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया? बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया? कम कर दिया, जबकि कैशबुक में कभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। अगर बैंक ने हमें कम कर दिया है तो हमें भी कम करना पड़ेगा, यानी हमें अपनी कैशबुक को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो क्या करना होगा? अकाउंटिंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितना? 1200 रुपीज कम कर दिया। नेक्स्ट चलिए और ट्रांजेक्शन देखते हैं। बैंक ने 1,01,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमें क्या किया है? पे किया है, यानी सोचो कि बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है तो बैंक ने हमारा बैलेंस को क्या कर दिया है? कम कर दिया ना, बैंक ने हमारे बैलेंस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया, क्योंकि 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने हमें पे किया, यानी बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, जबकि कैशबुक में अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। अगर बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज हो चुका है तो हमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, कितना? 1,000 रुपीज। क्लियर हो गया? एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन, एटीएम चार्जेस। बैंक ने हमारे ऊपर एटीएम चार्जेस डेबिट किए हैं, बैंक ने बैलेंस क्या कर दिया है? कम कर दिया है। पासबुक कैशबुक में अभी तक इसका कोई इफेक्ट नहीं गया है, तो क्या करना होगा? कम। तो लिखें एटीएम चार्जेस डेबिटेड
बाय बैंक कितने रुपए, 200 रुपीज। चेक करें, अब अगर इसके बैलेंसेस को चेक करते हैं हम तो पता चला 95,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 1,20,000 एंड 1,21,000। अगर हम बैलेंस चेक करें एज पर पासबुक तो हमारा पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग आना कितना चाहिए, 1,19,600। चेक करें तो अगर चेक करें तो 1,95,000 में से 1,200 और 200 माइनस करें तो ये आ गया दोस्त बैलेंस 1,19,600 और ये बैलेंस में चुक गया 1,21,000। ठीक है ना, कितना आसान था। देखिए वापस से मैं रूल को एक बार फिर से फटाफट एक बार शॉर्ट रिकैप में देख लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, पासबुक के बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हमें क्या करना होगा, कैश बुक का बैलेंस भी कम करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें कैश बुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा इफेक्ट, पासबुक का बैलेंस अगर इंक्रीज हो गया है, कैश बुक के बैलेंस में अगर कोई चेंजेस नहीं आया है तो हमें कैश बुक का बैलेंस क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। चौथा रूल, पासबुक का बैलेंस अगर क्या हो गया है, कम हो गया है, कैश बुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं आया तो कैश बुक के बैलेंस को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। ये सिंपल सा एक रूल है, इस रूल को फॉलो करिए और